Good morning students. जैसा पैसिव वॉइस आपका चल रहा है तो पैसिव वॉइस में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का सिखा रहे हैं आपको। तो सबसे पहले तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो एक्टिव वॉइस है, टेंस में दो सेंटेंस है के द्वारा से उसमें हम सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद एस या ईएस एस या ईएस मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में या फिर यू कह दीजिए कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस दो तो प्लस ऑब्जेक्ट ऐसी स्थिति हो तो हम पैसिव में हम बनाते हैं उसका पैसिव वॉइस में दो सब्जेक्ट है वो तो ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो जाता है। तो उसके बाद इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एम आई के साथ और आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस प्रकार से बनता है। जैसे हम प्रोनाउन से बनाए ही राइट ए लेटर, ए लेटर ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। इसको हम इस प्रकार से देखो आप सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब में एस या एस आया, एस आया राइट। और इसकी पैसिव जब हम बनाते हैं तो इस प्रकार से बन जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट है ए लेटर ये आ जाएगा, ए लेटर सिंगुलर है इसलिए इज आ जाएगा इन तीनों में से हेल्पिंग वर्ब। और वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, और फिर बाई आता है और ही का प्रोनाउन में चेंज हो जाता है हिम। इस प्रकार से प्रेजेंट सिंपल टेंस की एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनता है। वैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का जो फार्मूला है वो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का जो फार्मूला है वो इस प्रकार से तैयार हो गया। सब्जेक्ट जो इसमें ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट ये देखिए सिंगुलर जो भी टेंस है हो गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ये देख रहे हो आप बाई वर्ब की थर्ड, यदि एडवर्ब है तो एडवर्ब ये इसके बाद ही आता है, एडवर्ब है तो एडवर्ब ये वर्ब की फर्स्ट ये थर्ड फॉर्म के बाद आता है यदि सेंटेंस में हो तो। और फिर बाई लग के फिर ऑब्जेक्ट आता है, बाय लग के फिर ऑब्जेक्ट आता है, यानी जो उसमें एक्टिव में जो सब्जेक्ट था वो भी हम ऑब्जेक्ट हो गया। इस प्रकार से ये फार्मूला हुआ है एक्टिव से कोई स्पेशल वर्ब, जैसे हमने ये बनाया जैसे इसमें ऑब्जेक्ट है लेटर था तो लेटर यहाँ सब्जेक्ट हो गया, फिर सिंगुलर है प्रेजेंट सिंपल टेंस में तो ईज आया तो ये चीज हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई इसमें एडवर्ब नहीं है तो
बाई बाई के बाद जो ऑब्जेक्ट यहाँ था ही प्रोनाउन प्रोनाउन चेंज होकर के परिवर्तित होकर के हिम हो गया। इस प्रकार से ये फार्मूला है प्रत्येक टेंस का, प्रेजेंट सिंपल का बनाया हमने। प्रेजेंट सिंपल के वो भी आप सेंटेंस बना सकते हो। अब हम बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का, और यहाँ हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में बनाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम इज एम आर के साथ बीइंग लगाएंगे। इज एम आर के साथ है बीइंग, यानी इज एम आर एक्टिव वर्ब है। इसके बाद बी जो अपना बन वो जैसे सब्जेक्ट का जैसे अपने फॉर्मूला लिखे, इसका एक्टिव का क्या है एक्टिव का और पैसिव वॉइस का क्या है। ये ध्यान में दें तो एक्टिव वॉइस में तो जैसे अपना सब्जेक्ट है उसके बाद एक्टिव वर्ब आती है इज एम आर इज एम आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है, ऐसे बनते हैं साधारण वाक्य। तो यानी एक्टिव वॉइस तो शॉर्टकट में लिखें तो ये तो समझ में आता है, ये है मेन बात इज एम आर और वर्ब की फॉर्म में आई एन जी। अब पैसिव में ऑब्जेक्ट वो सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद क्या है कि इज एम आर इज एम आर बीइंग आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आगे ऑब्जेक्ट का वो सब्जेक्ट सब्जेक्ट का वो ऑब्जेक्ट। तो जब इस प्रकार से हो इज एम आर वर्ब थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस इस प्रकार से हो ये हो तो हम इस प्रकार से बनाते हैं, ये हो तो हम इस प्रकार से बनाते हैं। जैसे मोहन इज प्लेइंग फुटबॉल, ऐसे अपन ऐसे करो मोहन इज प्लेइंग फुटबॉल, यह एक्टिव वॉइस। पैसिव बनाते समय हम जैसे ये फुटबॉल इक्वेशन के साथ इज आई के साथ एम बॉक्स के साथ आर तो सिमिलर है इसलिए इज ओके ये बी फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले प्ले और बाई मोहन इस प्रकार से ई पैसिव बन गई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में।
इस प्रकार से इसकी पैसिव वॉइस बन गई। जैसे शी इज राइटिंग ए लेटर पैसिव है, ये एक्टिव है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें जैसे ए लेटर कंप्लीट हो गया, सिंगुलर है, इज बीइंग आ जाएगा, रिटर्न बाय सी, यहाँ सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट हो जाएगा वहां, सी का प्रोनाउन में ऑब्जेक्ट होता है क्या, हर। तो लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। इस प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस सेंटेंस ऐसे रहते हैं, इज एम आर मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इस प्रकार आ जाएगा, और पैसिव में इज एम आर के बाद बीइंग और वर्ब की तरफ हम इज बीइंग और वर्ब की तरफ, ये देखिए प्ले का प्लेट, यहाँ ये देखिए इज के बाद वर्ब में आई एन जी, इसके बाद राइट में आई एन जी है, और यहाँ इज बीइंग थर्ड फॉर्म और इज बीइंग थर्ड फॉर्म यानी प्ले की थर्ड फॉर्म प्ले, यहाँ जो प्लेइंग था और यहाँ जो राइटिंग था उसका रिटर्न। इस प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की ये पैसिव वॉइस बनती हैं। आगे का हम इससे नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके बाद हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताएंगे, परफेक्ट टेंस की ऐसी वो कैसे बनती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव के साथ बीन का प्रयोग करें, हैज और जो हैव इसकी बीन का प्रयोग, ये मेन बात। मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ये है। अब आपको पार बनाते हैं अपन, एक्टिव कैसे बनेगा, पैसिव कैसे बनेगा, इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस में एज एव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इन टेंस में क्या आता है एज कर्ता के साथ और दस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये सेंटेंस बनते हैं। सब्जेक्ट हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से बनते हैं। वो पैसिव में बनते हैं, पैसिव में कैसे बनते हैं हैज बीन और हैव बीन। एक वचन कर्ता के साथ हैव बीन, बहुवचन कर्ता के साथ है हैव बीन। टेंस ये है हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और पैसिव है, यहाँ ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। उसके बाद एक वचन है तो हैव बीन, बहुवचन है तो हैव बीन प्लस है वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई बनकर जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज हैव दोनों के साथ बीन लोड हो, ऊपर अलग से भी लिखवा दिया है किन के साथ इसका प्रयोग करना है। हैज हैव के साथ बीन का प्रयोग करें, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन लिखवा दूं हैज बीन तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बीन का प्रयोग करें। पैसिव बनाते समय इस प्रकार से तो समझने में आसानी रहती है। जैसे हम क्रिकेट खेल चुके हैं तो वी तो पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट क्रिकेट और जैसे मैंने बताया ये वचन तो हैज बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव में भी है टेंस में भी और यहां भी इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले है by ये सब्जेक्ट है भी प्रोनाउन तो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा इसका ऑब्जेक्ट वी का अस तो क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय अस। इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस आप बनाना सीख सकते हो। शॉर्ट में टेंस है ये और ये इसकी थर्ड फॉर्म के फॉर्म में टेंस होते थे तो आप टेंस भी दोबारा रिवाइज हो जाएंगे और आप ऐसी वॉइस भी सीख सकते हो।